पिज्जा आज आपके लेके आया हूँ अपाची 4V रेसिंग एडिशन। इसमें एक दोस्त एक मेजर पॉइंट जो आपको पहले ही बता दूँ रिव्यू के स्टार्टिंग में, इसका जो ये स्टैंड है वो हमेशा प्रॉब्लम करता है दूसरी बाइकों के मुकाबले। मतलब रिव्यू की शुरुआत में इसका एक जो डिस्काउंट थी वो आपको बता दूँ। बाकी अगर मैं इसकी पिकअप वगैरह बात करूँ वो बहुत अच्छी है। चलो पहले जो इसकी लुक्स की उस पर आते हैं, फिर इसमें अब जो ये रेसिंग एडिशन अभी लॉन्च हुआ है रिसेंटली, इसमें आपको जो फर्स्ट चीज़ जो दिखती है उसके ये ग्राफिक्स वो चेंज कर देखे। जो पुराने वाली थी उसमें ये ग्राफिक्स ऐसा नहीं थे। पुराना वाला रिव्यू आप देख सकते हो जो चैनल पर पहले से अपलोडेड है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो टेल लाइट मिलती है वो एकदम सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। पीछे वाला मर्चेंट वगैरह बिल्कुल सेम है, डिटो कर रखे हैं। चेंज हुआ है तो इसके ग्राफिक्स और थोड़ी बहुत ही स्टाइलिंग इसकी, जो आपको मेजर जो चेंजेस दिखने को मिलते हैं। नरेंद्र तो इसमें विंडशील्ड एक एक्स्ट्रा और कर दिए जो विंड ब्लास्ट होती है उसको रोकने के लिए, और थोड़ा जो इसका लुक है वो थोड़ा अच्छा कर दिया है। और सेकंड पहले आपको ये ग्लॉसी ब्लैक कलर में आपको नहीं मिलते था, अब ये ग्लॉसी ब्लैक में भी अवेलेबल है। और जो इसका कलर जो कॉम्बिनेशन है वो भी थोड़ा चेंज किया गया है, जो पहले नहीं आता था वो उसमें है। जो ये आती है 200cc सेगमेंट में आती है, लेकिन आपको मिलती है 197.7cc का इंजन इसमें। तो दोस्तों इसकी अगर हॉर्स पावर की बात करें तो इसमें मिलती है 20.7 की BHP की हॉर्स पावर, जो इस बाइक के लिए देखा जाए तो एकदम बेस्ट है। तो इस चीज़ के लिए थम्स अप। और इसमें एक ये हॉर्स भी ज़्यादा ऐड कर रखा है जो कि TVS की पहचान है। ये पहले आपको नहीं मिलता था, अब जो नया वाला एडिशन है उसमें ही मिलता है। तो अब बात करते हैं इसकी फ्यूल कैपेसिटी की। रिजर्व में आपको मिलता है 2.5 लीटर की कैपेसिटी, और जो फुल में मिलता है वो मिलता है आपको 12 लीटर की। तो रिजर्व और 12 मतलब दोनों अलग अलग है, इसको आप कंबाइन ना करें। और अब आते हैं मीटर की तरफ। तो इस मीटर को जब ऑन करते हैं आप तो एक रेडी टू गो मिलता है, 1, 2, 3 फिर रेडी टू गो। तो यहाँ पर मिलता है आपको ट्रिप मीटर, जहाँ पर आप ट्रिप ए ट्रिप बी सेट कर सकते हो। और यहाँ पर मिलता है आपको क्लॉक, और यहाँ पर मिलता है आपको गियर इंडिकेशन, प्लस यहाँ पर जो आपको मिलती है वो है आपको स्पीड, और यहाँ पर मिलती है आपको RPM स्पीड जो आपको टॉप पर देखने मिलती है। और फिर आपके वो कुछ अब जो यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं उनकी बात करता हूँ। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको ये ट्रिप बी का मिलता है, फिर यहाँ पड़ता है लैब स्पीड, आपको यहाँ पर अपनी जो लैब स्पीड वो भी काउंट कर सकते हो। और यहाँ पर मिलती है हाई स्पीड, मतलब आप हाई स्पीड और इसको आप चेंज भी कर सकते हो कि आपकी हाई स्पीड क्या रखी है आपने। तो कुछ इस प्रकार इसके जो 2-3 सिस्टम है इसमें दे रखे हैं वो काफ़ी अच्छे दे रखे हैं। और यहाँ पर कुछ इंडिकेशन मिलते हैं, फ्यूल इंडिकेशन, गियर इंडिकेशन, ABS। ये आपको बता दूँ ये बाइक जो है वो नॉन ABS, इसमें ABS नहीं है, लेकिन यहाँ फिर भी इंडिकेशन शो कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि जो मीटर है वो चेंज नहीं कर रहा है, सब में एक ही मीटर डाल देता है, वो ABS हो या नॉन ABS हो। इसकी प्राइस की बात करें तो जो इसकी प्राइस है नॉन ABS की वो पड़ती है 1,12,000 ऑन रोड, और जो आपके जो ABS वेरियंट है वो मिलता है 1,25,000 ऑन रोड। अब आते हैं इसके ब्रेकिंग सेगमेंट पर। तो आपको ब्रेकिंग फ्रंट पे मिलती है, और डिस्क ब्रेक मिलती है वो मिलती है 270mm की, और जो पीछे मिलता है वो भी आपको डिस्क ब्रेक मिलता है वो मिलता है 240mm का। तो दोस्तों अब इसकी सीटिंग कंफर्ट पे बात करते हैं। तो इसमें जो सीट है ना वो काफ़ी इसकी बढ़ा दी गई, जो लॉन्ग राइड होती है ना उसमें काफ़ी ईजी रहेगी। हमने अभी एक राइड की थी पल्स पर, लेकिन पल्स पर की सीट जो है वो ऐसी थी तो इतनी कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन इसकी जो ये लेंथ है वो बढ़ा के इसको ज़्यादा कंफर्टेबल कर दिया गया। लेकिन अब जैसे पीछे वाले सेगमेंट पर आते हैं तो पीछे वाली सीट छोटी है, तो लॉन्ग राइड में जो पीछे जो बंदा बैठेगा उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन जो आगे जो राइडर है उसके लिए एकदम डेफिनेटली आप मतलब एक साथ 100 किलोमीटर आराम से कर सकते हो क्लियर। आपको जहाँ पर आप कुछ रख सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं रख सकते लेकिन थोड़ा बहुत ज़रूर रख सकते हो। और आगे वाली सीट भी इसमें आप ओपन कर सकते हो, तो जैसे आप आगे वाली सीट ओपन करोगे, लेकिन यहाँ स्टोरेज तो कुछ नहीं, रख तो कुछ नहीं सकते लेकिन आप इजीली ओपन इसे कर सकते हो। तो इसको वापस ओपन करते हैं, और एक पीछे जो आपको ये मिलता है ये काफ़ी अच्छा दे रखा है, ईजी टू हैंडल, मतलब पकड़ने के लिए काफ़ी ईजी दे रखा है। जो इस वाला जो बाइक
ना रखो, क्योंकि जो आगे दे रखा है वो काफ़ी आगे दे रखा है, तो जो लेडीज पीछे बैठती है वो अपना पैर कहाँ रखेगी। तो एक वो चीज़ देखी, तो आप एक छोटा सा ये स्टैंड ले सकते थे, जो पिछली वाली बाइक थी उसमें सब में मिलता था, इसमें नहीं मिल रहा है क्योंकि ये 200 सीसी सेगमेंट है, लेकिन ये इंडिया में लॉन्च हो रहा है, तो इंडिया की मतलब कंडीशन के हिसाब से आपको इसको वेरीफाई करना था, लेकिन वो चीज़ आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। तो एक ये इसका एक छोटा सा डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं, जो इसमें जो टाइप में एक तो यहाँ पर एसी कंडीशन लिख रखा है, और दूसरा कि आप इसको फुल्ली मत करें, थोड़ा सा हाफ रखिए, और जो यहाँ पर जो टैंक जो यहाँ दे रहे हैं सब में बीच में होता है, लेकिन इसमें साइड में दे रखा है, सभी टीवीएस के जो 200 सीसी सेगमेंट उसमें सब में ये साइड में दे रखा है। इसका क्या रीज़न है वो तो कुछ पता नहीं, लेकिन थोड़ा लुक्स को और सबसे थोड़ा हटकर बनाने के लिए ज़रूर किया गया है। तो अब बात करते हैं इसकी साइलेंसर की, तो इसमें दो नॉइज दे रखे हैं जो इसकी साउंड क्वालिटी है उसको थोड़ा परफेक्ट और थोड़ा अच्छा बनाती है इसकी साउंड क्वालिटी को। तो अब इसकी जो साउंड क्वालिटी है उसको भी हम सुन लेते हैं, कैसी इसमें साउंड क्वालिटी दे रखी है। आपको एक अच्छा फील आता है, रेसिंग फील इसमें आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों हम गौरव जी के थैंक यू करना चाहते हैं जो इन्होंने हमारे लिए अरेंज करे, ये इनकी बाइक है रिसेंटली, आप देख सकते हो नंबर प्लेट भी अभी तक नहीं आई है, और आते ही इन्होंने हमें इन्फॉर्म करा कि हमने एक बाइक ली है, ऑलरेडी हमारे सब्सक्राइबर है, थैंक यू गौरव जी, और आगे हम और मिलते रहेंगे इससे। और अभी इसका करने वाला माइलेज टेस्ट, आपको अगले दिन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो कहीं मजा